आज का हमारा टॉपिक है मॉडल क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, क्लास 10, सब्जेक्ट इंग्लिश, सेशन 2021-22, सेट नंबर 1। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। हम लोग इसके डायरेक्ट आंसर को जानेंगे। ओके, तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, द पैसेज इज अबाउट, इसका आंसर होगा ए हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट का ए होगा। ओके, चलिए सेकंड नंबर जानते हैं, व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। दो नंबर है, दो नंबर का आंसर होगा ए, दो का भी आंसर होगा ए। चलिए थ्री नंबर चलते हैं, थ्री नंबर का आंसर होगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ओके, फोर नंबर, फोर का क्वेश्चन है, हु आर एमंग द 350 एम्प्लॉयज ऑफ हाफिज फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो चलिए फोर फोर नंबर का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। फाइव नंबर चलते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ए सिनोनिम्स ऑफ स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब होता है शुरू किया, तो फाइव का आंसर होगा बी, कमेंस्ड, इसका मतलब भी होता है शुरू करना। चलिए सिक्स में आपको पैसेज दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। सिक्स का आंसर हम लोग जानते हैं, सिक्स का आंसर होगा चूज ए सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन फ्रेज, तो सिक्स का आंसर होगा सी नंबर, नालंदा यूनिवर्सिटी। सेवन नंबर, एंशिएंट नालंदा वाज नॉन फॉर, सेवन का आंसर होगा ए, एजुकेशन के लिए जाना जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, एट नंबर, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, एट नंबर का आंसर होगा बी, एट का आंसर होगा ए, इट इज इमेजिन्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ओके, एट का आंसर होगा ए। चलिए नाइन नंबर, सिनोनिम्स ऑफ द डिक्लेयर्ड, नाइन का आंसर होगा अनाउंस डी, नाइन का डी आंसर। टेन नंबर में आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इलेवन नंबर में आंसर होगा, इलेवन का आंसर होगा बी, डियर किरण करण। ट्वेल्व का आंसर होगा सी, एमंग। ओके, थर्टीन का आंसर होगा ए, सक्सेस। फोर्टीन का आंसर होगा डी, रिप। फिफ्टीन का आंसर होगा बी नंबर, फिफ्टीन का बी, योर लविंगली। सिक्सटीन का आंसर होगा बेबीज फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन दे आर हंग्री, तो सिक्सटीन का आंसर होगा क्राई, जो कि ए नंबर में, सिक्सटीन का आंसर होगा क्राई, जो कि ए नंबर में है। ठीक है, सेवनटीन, व्हाट टाइम, सेवनटीन का आंसर होगा सी नंबर, डज द ट्रेन लीव। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एटीन नंबर, एटीन का सीमा एंड आकाश फिल इन द ब्लैंक्स डांस वेल, तो एटीन का आंसर होगा डी, एटीन का आंसर होगा डी, कैन, सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल। नाइनटीन नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स गॉड ब्लेस यू, नाइनटीन का आंसर होगा बी, मे गॉड ब्लेस यू, नाइनटीन का बी। ट्वेंटी, यू फिल इन द ब्लैंक्स पे द टैक्सेस, तो ट्वेंटी का आंसर होगा ए, मस्ट, यू मस्ट पे द टैक्सेस। चलिए ट्वेंटी वन नंबर, सी इज टू वीक, तो ट्वेंटी वन का आंसर होगा बी, टू वॉक, सी इज टू वीक टू वॉक। ट्वेंटी टू का आंसर होगा, ट्वेंटी टू, फिल इन द ब्लैंक्स जॉब इज नॉट ईजी, तो ट्वेंटी टू का आंसर होगा गेटिंग जॉब इज नॉट ईजी, ट्वेंटी टू का होगा सी। चलिए ट्वेंटी थ्री नंबर, ट्वेंटी थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स इज इंजुरियस टू हेल्थ, इसका आंसर होगा डी, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, ट्वेंटी थ्री का डी। ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर में देखिए पैसेज दिया, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ट्वेंटी फोर का आंसर होगा हु इज नरेटिंग द एबव लाइन, तो ट्वेंटी फोर का आंसर होगा ए, नेल्सन मंडेला। ट्वेंटी फोर का आंसर हो गया नेल्सन मंडेला। ट्वेंटी फाइव, इट इज विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन्स, दिस मीन्स। ओके, तो 25 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। 26 नंबर, व्हाट डज डिस्टिंग्विश मैन इन द पैसेज, 26 का आंसर होगा बी, रेस्पेक्टेड। 27, हु वेयर द ऑनर्ड गेस्ट, तो 27 का आंसर होगा वर्ल्ड लीडर्स, सी नंबर, 27 का आंसर होगा सी। 28 देखिए, 28 का आंसर होगा बी,
28 का आंसर होगा बी, बिकॉज वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल थी पक्षी वो उड़ने से क्यों डर रहे थे, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उड़ नहीं पाएगी, वो उड़ने का कोशिश करेगी तो वो गिर जाएगी, उसे इस चीज़ का हमेशा डर रहता था। ओके तो चलिए 29 नंबर देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लेंचो ऐसा क्या सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं वो कैसे होते हैं, तो 29 का होगा ए डिसऑनेस्ट पीपल, वे लोग क्या होंगे बेईमान व्यक्ति थे, उसको ऐसा लगता था लंचो को। 30 नंबर हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड, तो 30 का आंसर होगा बी किट्टी, वो उस जो एनी थी उसका एक डायरी था जिसका नाम था किट्टी, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। चलिए 31 नंबर विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इनमें से कौन सी पोएम लिखी हुई है, तो होगा 31 का होगा सी फायर एंड आइस। तो चलिए 32 नंबर में पैसेजेस दिया हुआ पढ़ लीजिएगा इसको, तो 32 का आंसर होगा हु हैज रिटन दिस लाइंस, तो 32 का आंसर होगा डी लेजली नॉरिस। 33 नंबर हु इज ही इन दिस लाइंस, तो 32 का डी हो गया, 33 का आंसर होगा, 33 का भी आंसर होगा डी टाइगर। 34 व्हाट डोज प्लम्प मीन्स, तो 34 का आंसर होगा ए फैट। 35 का आंसर होगा 35 वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, तो 35 का आंसर होगा बी जंगल। ओके 36 नंबर आ जाते हैं, व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल, तो 36 का आंसर होगा सी नंबर बोथ ए एंड बी, अनिल की ईमानदारी और जो जो चोर था उसको अपने आप में गलती का महसूस हुआ, इस वजह से वो क्या करता है रिटर्न आ जाता है। ओके 37 का क्वेश्चन है, मिसेस पंपरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट, बिकॉज ये जो 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 चीज़ ट्रिकी के साथ हो रहा था वो कुत्ता के साथ हो रहा था, उसका जिम्मेवार जो मिसेस पंपरी थी क्योंकि क्यों क्यों थी, तो 37 का आंसर होगा डी बोथ ए एंड सी, ए नंबर में वो उसे ज़्यादा खिला देती थी और उसे समय समय पर एक्सरसाइज भी करवाती नहीं थी इस वजह से। ओके उसके 38 का क्वेश्चन है, हु इज मिसेस पम्फ्री, तो 38 का आंसर होगा ए ओनर ऑफ द डॉग, कुत्ता का मालकिन थी वो। ओके 39 है, व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल, तो 39 का आंसर है सी बोथ ए एंड बी, ए नंबर में क्या है कि जो चोर था वो अनिल के लिए चाय भी बनाता था और बी नंबर में वो उसके लिए बाजार जाकर राशन का सामान भी खरीद कर लाता था। और लास्ट है 40 नंबर, हु डज आई रेफर्स टू द थीप स्टोरी, ओके तो यहाँ पर ये स्टोरी कौन सुना रहा है, वो जो हरी सिंह है सी जो चोर होता है थीप। ओके तो आप लोग इस सारे जो आंसर किए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके